हेलो, मेरा नाम अभय सासिफ है, मैं सीईओ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हूँ आर्क्स वेव का। थैंक यू वेटो पेंट्स हमें सीजन टू और शेड्स ऑफ लाइफ में इनवाइट करने के लिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अदनान शुएब और आज हम मिलते हैं दो वेरी यंग टैलेंटेड आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर वजी और अवैस। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हैं, फाइन। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है, आई थिंक आफ्टर एन ईयर हम दोनों की। ब्राइट ऑल शेड ऑफ लाइफ इज सेकंड सीजन के अंदर, आई थिंक यू आर द सेकंड गेस्ट वी हैव with us. Mashallah, now you have a good name in the market and you're doing wonderful projects. बस effort कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में चेंज करें, कोई प्रोजेक्ट में इनोवेशन लेके आए, तो हमारी एफर्ट्स ही होती हैं। अच्छा, द डिफरेंस व्हिच आई हैव सीन वर्किंग यू एज एन आर्किटेक्ट और जो बाहर लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं देखता हूँ कि थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, वो कॉपी पेस्ट नहीं है। यू एक्चुअली यू आई थिंक यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डिजाइन, उसका क्रेडिट जाता है सारा वजी आपको। वजी को, ओके, क्योंकि वो इंटीरियर्स में मटेरियल्स के साथ, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे का काम डिवाइड रखा है हमने, क्योंकि मटेरियल्स की कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा है कलर्स में और डिज़ाइंस में, वजिया का बहुत अच्छा है। और लकीली हम दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह की, क्योंकि इसकी ग्रेजुएशन है टेक्सटाइल में, ओके, और फिर इसने इंटीरियर में मास्टर्स किया और मेरे पास एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन का, एग्जीक्यूशन का और डिज़ाइन का ज़्यादा है, वो जब हम कंबाइन करते हैं उस चीज को तो वो भी प्रोडक्ट बोलता उसका। बेसिकली इट्स अ टीम वर्क। ओके, अच्छा, एक तो नाउ यू आर हस्बैंड वाइफ टुगेदर एज वेल, शी इज इनटू द इंटीरियर साइड, इनटू द सॉफ्ट थिंग एंड इनटू द हार्ड कोर आर्किटेक्चर के अंदर है। लड़ाइयां शड़ाइयां भी होती हैं आपस में? काफी होती हैं, बहस काम पे, काम ये नहीं कि लड़ाइयां वो मियां बीवी वाली, क्योंकि हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो वो जो प्रोफेशनल बहस होती है ना वो तो लाजमी है, उसके बगैर तो काम। व्हाट इज द थिन लाइन बिटवीन लाइक आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर व्हिच यू गाइस हैव टू यू नो रिबटल अबाउट? मेरे ख्याल से सब कुछ इंटरकनेक्टेड इतना ज़्यादा है कि जब प्लान ये कर रहे होते हैं मैं उसी वक्त इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मुझे इंटीरियर स्पेसेस कहीं डबल हाइट चाहिए या कुछ चाहिए, उसी वक्त वो मेरी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है। तो काम इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम जब क्लाइंट के साथ हम लोग करते हैं अपना, तो उसके बाद हमारे पहली कोशिश होती है स्पेसेस किस तरह, हम लोग ये नहीं देखते आर्किटेक्चर क्या होगा, हम छोटी स्पेसेस से स्टार्ट करते हैं, वो आइदर वो लाउंज हो सकता है, एक बेडरूम हो सकता है, उस पर व्यूज के मुताबिक होता है, फिर वो जो जगह है वो अपना खुद ड्राइव कर रही होती है कि मुझे किस तरह का डिजाइन करना है। ओके, सो व्हाट वाज द व्हाट इज द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट यू हैव डन टिल नाउ? हमारे काफी तीन चार प्रोजेक्ट्स रहे हैं आज तक 10-12 सालों में जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं, लेकिन रिसेंटली दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, एक हमने अभी 718 किया है, उसका लग्जरी हेवन के नाम से हमने उसका नाम रखा हुआ, वो हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, और एक हमारा 203X प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हम लकीली अभी अवार्ड भी जीते हैं, एशियन पैसिफिक अवार्ड है उसमें हम अवार्ड भी जीते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मटेरियल्स को जिसमें एक्सप्लोर किया है, फर्नीचर और इन चीज़ों को और इन प्रैक्टिकलिटी को रहते हुए लग्जरी के अंदर चीज़ें जो प्ले की हैं वो 718 किया है, जो हमारा इस वक्त अब हमारे पोर्टफोलियो का जो कहें बेस्ट प्रोजेक्ट। तो जो ये मॉडर्न लाइन, मॉडर्न लाइन हाउस, ओके, व्हाट आर द ट्रेंड्स नाउडेज बीइंग एन आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर, आजकल क्या ट्रेंड्स इन द मार्केट? मेरे ख्याल से फ्यूजन है, ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज और हाउ यू अप्लाई, एक आप एक चीज़ को टुगेदर कंबाइन करके नया प्रोड्यूस क्या करते हो, मेरे ख्याल से कोई वो फैशन वाली स्टेटमेंट वाली चीज़ नहीं है कि ये इन है और यही करना है। दो लाइंस टू डिफाइन है, मॉडर्न एंड क्लासिक, दो मेरे ख्याल से, और हम जिस पे काम करें वो बेसिकली फ्यूजन है। मैंने हाँ बहुत ज्यादा मॉडर्न पे स्ट्रेट पे ये एक आधा प्रोजेक्ट था, ज्यादातर हमारे प्रोजेक्ट फ्यूजन पे हैं, क्लासिकल मॉडर्न। हमारे पास देखिए क्लाइंट कभी भी आता है ना हमारे पास, तो हमारी कोशिश होती है उसका जो जो वो चीज़ चाह रहा है वो करें, लेकिन होता ही है कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है, अभी तक मैं कहता हूँ कि हमारा कोई सिग्नेचर स्टाइल नहीं, हमने नहीं ड्राइव किया, अभी तो एक टाइम है, उसको लगता है फिर होता है, आप चीज़ों से प्ले करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, और लकीली हम जब उस चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो नई चीज़ बन जाती है, और हमारे क्लाइंट्स भी इतने अच्छे हैं कि वो हमें अलाउ करते हैं कि ठीक है आप प्ले करो चीज़ों के साथ। थीम कॉमन एरियाज में वही प्ले हो रही होती है, लेकिन जब आप उन चीज़ों को मटीरियल के साथ प्ले करते हो, आइदर क्लासिकल हो, मॉडर्न हो, ट्रांजिशनल हो, मेडिटेरेनियन हो, कुछ भी आप करो, लेकिन ये है कि आप उसको फ्लो में लेके चलो। सो इफ यू आस्क अ पर्सन बीइंग आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट बट आई डू आर्किटेक्चर बट प्रोफेशनली आई एम इंटीरियर डिजाइनर, सो आई लव टू डिजाइन वॉशरूम्स।
The washroom space is mainly a very unique space. So, is it now what is the space which you love to design in architecture? अच्छा मेरे लिए दो तीन चीजें मुझे एक तो space planning करते हुए मेरा काफी interest होता है. उसके बाद सेम क्योंकि वॉशरूम जैसे उसमें आप मटेरियल को प्ले करते हो कलर्स का प्ले करते हो क्योंकि मुझे कलर्स का प्ले करने का सिर्फ जो मौका मिलता है वहां पे है क्योंकि उसके बाद मेरे पास अथॉरिटी नहीं है वो दैट कम्स टू मजी वो फिर कलर्स के साथ वो उनके पास चली जाती है. वॉशरूम जो है वो ऐसी चीज है कि वो पर्सनली खुद इंटरेस्ट लेके खुद डिजाइन कर रहा हूँ. ओके हाँ मेरा प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट डिपेंड करता है. मुझे किसी का डाइनिंग स्पेस किसी की लॉबी स्पेस डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट क्या आप किस स्पेस को सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. सो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू एक घर डिजाइन करने से पहले यू से के दीस आर द पैरामीटर्स हमें इनका बहुत ध्यान रखना है लाइक लाइट एंड सस्टेनेबिलिटी और कलर्स और स्पेस प्लानिंग. हमारी पहली होती है कि क्लाइंट क्या चाहता है. क्लाइंट का अपना एक मूड बोर्ड हम उससे डिस्कस करते हैं फिर हम अपनी उसके मुताबिक क्योंकि हम उसको बता रहे हैं तो क्लाइंट के पास इतना विजन नहीं होता. कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके बुजुर्गों को पता होता है वो चाह क्या रही. उसके बाद फिर कोशिश होती है कि प्रैक्टिकलिटी क्या हो फिर हम देखते हैं कि स्टैटिकली क्या चीज़ होगी. सस्टेनेबिलिटी की हमने आज तक कोशिश की नहीं ठीक है और हमें पता है हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हमारे घर थोड़े हाई एंड होते हैं तो सस्टेनेबल तो मुश्किल है. हम इट्स अ हाई मेंटेनेंस हाउस. हाई मेंटेनेंस हाउस होते हैं हमारे लो मेंटेनेंस हाउस हम कोशिश करके भी नहीं कर पाते. So I think that is your type, by the way you to do things. Acha, you both are from NCA. She's in textile. You've done architecture. कौन से इंस्टीट्यूट्स आज हैं जो ऐसे लोग निकाल रहे हैं जो कि आप समझते हो who are the future of Pakistan in this industry? इंस्टीट्यूट्स देखें जनरेशन का बहुत फर्क आ गया. अभी एनवायरमेंट डेवलप करती है एनसीए कोई कंपैरिजन नहीं एनसीए का. ऑल यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं. बीएनयू भी अच्छा है यूएटी के भी है और हर यूनिवर्सिटी का जो आर्किटेक्ट आता है उसकी अपने कुछ स्पेशलिटीज हैं. जितने अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी और यूएटी के देखते हैं वो टेक्निकल बहुत साउंड होते हैं. बीएनयू के जितने बच्चे आते हैं उनके सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं और जो एनसीए के हैं वो डिजाइन वाइज कंसेप्चुअल हैं वो कॉन्सेप्ट्स उनके बहुत अच्छे होते हैं डिफरेंट है. तो हम भी कोशिश ये करते हैं टीम में हम डिफरेंट लोगों को हायर करें ताकि हर किसी का अपना एक इनपुट हो. ओके सो व्हाट अबाउट द जिस आई आस्क्ड यू जस्ट बिफोर बिहाइंड द सीन्स के यार आजकल क्या रेट घरों का चल रहा है. व्यूअर्स चाहते हैं लोग अच्छा घर बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए आजकल. बहुत ज्यादा चाहिए. सो डू यू थिंक आर जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं आर दे कमिंग अप विद सम एन आईडिया कि जिसमें से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें. देखिए हर आर्किटेक्ट का एक अपनी अलग अलग डोमेन है. बहुत यंग आर्किटेक्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बजटेड हाउस भी कर रहे हैं और हर किसी की अपनी वो है कि किस तरह कौन किस तरह डिजाइन कर रहा है. किए जा सकते हैं बजटेड हाउस लेकिन उसमें ये कि आपकी वर्किंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए. टाइम क्लाइंट को टाइम देना पड़ेगा जो यहाँ पे क्लाइंट टाइम नहीं देना चाहता. फिर लोकल जो प्रोडक्ट है मेड इन पाकिस्तान उस पर जाना पड़ेगा. तो वो अभी तक क्लाइंट्स का मेड इन पाकिस्तान चीजों पे उतना ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाया. अभी वो कॉन्फिडेंस उनको उस चीज पे नहीं आ रहा क्योंकि देखिए एक प्रोडक्ट है उसका 3-4 साल बाद उसका रिजल्ट आता है. तो वो अभी जब मार्केट में फ्लोट होगा यूज होगा फिर 3 साल बाद उसका वर्ड ऑफ माउथ आएगा. सो बीइंग यू वर्किंग टुगेदर और माशाल्लाह आपको आई थिंक यू आर मोर देन अ डिकेड यू आर वर्किंग इन दिस मार्केट नाउ. हां जी 10 साल से ज्यादा टाइम आप लोग हो गया. सो व्हेयर डू यू सी द वे इज दिस मार्केट गोइंग पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो आर्किटेक्चर की यहां परफॉर्म है अनदर 10 इयर्स में व्हेयर डू यू सी थिंग्स गोइंग. लास्ट 2 इयर्स में तो बहुत डिप है. बहुत डिप है. जिस तरह कंस्ट्रक्शन का जा रहा था वो बहुत अच्छा था लेकिन इंशाल्लाह बेहतर होगा सब कुछ. होप सो. कमिंग बैक टू योर जैसा अवजी आई हैव सीन योर द मॉडर्न हाउस जिसकी आपने भी बात की व्हिच इज योर सिग्नेचर प्रोजेक्ट ऑन दिस उसमें व्हाट आर द बेस्ट फीचर्स ऑफ दैट हाउस व्हिच यू वांट टू एक्सप्रेस और व्यूअर्स जानना चाहें कि जब वो घर में क्या चीजें हैं. जो देखिए ऐसे मटेरियल एक्सप्लोरेशन जिस तरह हमने फीचर वॉल्स डिजाइन की है टाइल्स को ट्रावर्टीन को विद ब्रास स्ट्रिप्स और जिस तरह से मैनेज किया ना ओवरडन वो लगे और ना वो बहुत सिंपल लगे. तो मेरे ख्याल से लग्जरी फील इन्हीं चीज़ों से आती है. डेकोर तो हो जाता है. डेकोर करना भी मैं कहती हूँ वो भी एक आर्ट है. आपने क्या चीज़ रखनी है क्या उठानी है क्योंकि मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें हैं मटेरियल्स के साथ आप ले करें तो स्पेस की एक वैल्यू डिफरेंट हो जाती है. इस घर में जो मेरा जो फेवरेट पार्ट है अगर मैं कहूँ तो वो फेवरेट रूम है फर्स्ट फ्लोर पर. उसको हमने रखा हुआ था अरमानी रूम उसका नाम रखा हुआ था. वो सारा ग्रेज में और हमारी कोशिश ये थी कि हम इस घर में कोई ऐसी बेड बैक वॉल ना बनाएं जिसमें ये टफ्टेड हो या कोई वॉल पेपर हो. हम एक्सपेरिमेंट करें तो हमने वहाँ पे कुछ वॉल्स पे बैटो पेंट यूज़ किया. तो हमने इसी तरह
और फिर हमारा ये था कि हम कोशिश करें जो लग्जरी कोटिंग्स हैं ब्राइटो की वो यूज करें। इन द एंड आई वुड जस्ट हैव सम रैपिड क्वेश्चन विद यू गाइस, सो जस्ट क्विक आंसर्स, ओके? सो टेल मी द बेस्ट इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन आर्किटेक्चर यू लाइक। एनसीएम। एनसीएम, आई नो दैट, ओके। योर थ्री फेवरेट आर्किटेक्ट्स। थ्री फेवरेट आर्किटेक्ट्स। एसआरडीडब्ल्यू। लोकल, ओके। एसआरडीडब्ल्यू। नासिर महमूद। ओके। एंड डिजाइनर ईस्ट। डिजाइनर ईस्ट। और इस्लामाबाद के हैं सैफुल्लाह सिद्दीकी। ओके। So these are your three favorite architects. Yeah. So yeah. Your favorite paint company? Brighto Paint. Brighto Paints. Mm. That's a compliment, I would say. Fine. Okay, Vajivas. Now coming back to the real life, okay? Now you have kids. How do you guys manage? मैं अकेला काम करता हूँ, मेरे से नहीं मैनेज होती चीज़ें, but being having kids on the school जाना लेके आना and then coming to office, clients meetings, how do you guys manage it? बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक बच्चे को ये छोड़ते हैं स्कूल, फिर मैं छोड़ती हूँ, लेकिन वापस पिक करने का टाइम मेरा ही होता है। एक को लिया, दूसरे को लिया, खाना ये वो, रूटीन बहुत टफ है। ऐसा नहीं है कि आसान है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। मतलब ऑब्वियसली बीच में तैयार भी होने हैं, मीटिंग भी करनी है, साइट से भी जाना है, बच्चों को खिलाना है, घर भी देखना है, और इसके अलावा इन चीज़ों में दादी को बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत ज्यादा वो भी दोनों संभालती हैं। लेकिन आपकी बातों से व्हाट मैसेज यू गोना गिव टू द यंग गर्ल्स? मेरे ख्याल से मुझे बहुत ऐसी मिलती हैं जो कहती हैं कि हमसे नहीं होता। मतलब मैं ये नहीं कहती कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप डेडिकेटेड हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और मैं तो चाहूंगी कोई सब करें कुछ। इसमें जो आप एक चीज जो आप मैसेज वाली बात करें, उसमें मैं कहूंगा जो जॉइंट फैमिली है ना, उसकी बहुत बरकत होती है। उसमें दादा दादी नाना नानी ये जो बच्चों को संभालते हैं, और जो जिस तरह हम दोनों वर्किंग है, जो हम उनमें मॉरल और वैल्यूज हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो हम इतने बिजी होके नहीं कर सकते। वो फिर आपके पेरेंट्स से करते हैं। हाँ, वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाती है। एग्जैक्टली। तो उसमें जॉइंट फैमिली का बहुत ज्यादा। ओके, हो गया। सो बीइंग इन वर्क इंसिडेंट्स होते होंगे बहुत सारे, एनी फनी इंसिडेंट विद यू हैव विद योर कार? हां, होते हैं। इन द वो लाइक फनी भी होते हैं, एंबैरेसिंग भी होते हैं, बल्कि मैं एंबैरेस हो रही होती हूं अक्सर। हस्बैंड वाइफ आते हैं, इस तरह शुरू में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती किसी वाइफ की, लेकिन बाद में ऐसी स्टेज होती है जो गुजर गई होती है, वो कहती है नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, बस वहां पे वो जो लड़ाई शुरू हो जाती है ना, वहां मैं कहती हूं क्लैश आपके पहले डिसाइड कर लिया करें। मतलब अब यूजुअली जो मीटिंग्स होती हैं उनमें मैं जरूर रेकमेंड करती हूं कि आप म्यूचुअल डिसीजन लें और फिर हम प्रोजेक्ट को फर्दर आगे करें। जो ये कहती है आप कर दे, जस्ट गेट ओवर इट, ये होता है। बेचारी का भी देखिए एक पॉइंट ये ना, वो घर बना रही है, उसका जिंदगी में एक घर ड्रीम हाउस है, उसे बगैर डिस्कशन किए बना दिया है, वो भी ज्यादा है। आपको बात करनी चाहिए, आपको हस्बैंड को चाहिए ठीक है, आप साथ एंगेज रखो, बातचीत करो, फिर होता है सारा कुछ। So thank you, Vajee and Avaz, for being with us on the show. Or inshallah, I hope to see you in the upcoming days and upcoming episodes as well. Your Allah aapko bahut sare new projects rakhe de. Thank you so much. And I'm really proud to be with you today. Brighto Paints aur main. So we are. Thank you so much. So inshallah, dobara mulaqat karte hain. Thank you, viewers. Inshallah, dobara milenge ek nayi episode ke saath. Brighto All Shades of Life Season 2 ke andar. Allah Hafiz.